दोस्तों, पिछला वीडियो जो हमने वीवो के पैड थीम के बारे में बनाया था, उसमें से काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि वीवो में जब हम पैड थीम परचेज करने जा रहे हैं तो वो आईडी मांग रहा है, तो हम वो आईडी कैसे बनाएं कि जिससे हम कोई भी वीवो का पैड थीम परचेज कर लें। तो दोस्तों, आज इस 2 से 3 मिनट के वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि जो वीवो के पैड थीम होते हैं उसको आप डाउनलोड या इंस्टॉल करने के लिए आईडी कैसे बनाएं। दोस्तों, ये भी चीज़ बता दूँ कि जो आईडी आप ये बनाएंगे वो वीवो के हर जगह काम आएंगे, चाहे वो वीवो के क्लाउड स्टोरेज ले लीजिए, चाहे कोई भी जगह पर, हर जगह यही आईडी काम आएगी। अगर आप वीवो के क्लाउड स्टोरेज पर भी आईडी बनाया है तो वही आईडी यहाँ पे काम आ जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेरे आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। तो इसके लिए अगर सबसे पहले आपको आई थीम में जाना होगा, आई थीम में जाएंगे, देखिए इसमें जो आपके पैड थीम है वो काफी सुंदर सुंदर पैड थीम है। सपोज करिए मुझे ये पैड थीम परचेज करना है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, एक फ्री ट्रायल है और परचेज ना हुआ है। फ्री ट्रायल है वो आपको 5 मिनट के लिए ही होगा, फिर वो अपने आप वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे परचेज करना है तो परचेज नाउ पे क्लिक करिए। परचेज नाउ पे क्लिक करेंगे तब तो यहाँ पे आ जाएगा। मैं बता दूँ आपको कि अगर आप वीवो के क्लाउड स्टोरेज पर कोई भी आईडी बनाए हैं तो डायरेक्ट आपको जो भी परचेज करने की स्रोत होगी, चाहे वो पेटीएम, चाहे वॉलेट पे ले जाके वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन आप नहीं बनाए हैं तो इसके लिए आप रजिस्टर पे करना होगा। जब रजिस्टर पे करेंगे तो दो ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, एक तो रजिस्टर विद फ़ोन नंबर और रजिस्टर विद ईमेल। तो मैं आपको एक बार फ़ोन नंबर पर बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे। इसको टिक करना है, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया की हो जाएगी, और दूसरा यहाँ पर अपना जो भी फ़ोन नंबर हो आप डाल दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे एक ओटीपी आएगी, जो आप इसी नंबर पे आएगी, वो ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपको एक पासवर्ड बना लेना है, कोई भी पासवर्ड बना लीजिए। ठीक है, पासवर्ड बनाने के बाद इधर लिख दिया रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, ये लॉगिन आ जाएगा, यहाँ से लॉगिन होना है एक बार। ठीक, अब देखिए, अब जैसे ही लॉगिन करेंगे तो ये कह रहा है यू आर अबाउट टू पे 30 रुपीज़ बाई जिसको आप दे रहे हैं उससे नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद ये आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि आप किससे क्रेडिट कार्ड, फोन, पेटीएम, वॉलेट से करना है और यहाँ से पे कर देना है। और पे करने के बाद जो भी डिटेल है आप यहाँ से डाल दीजिएगा और वो थीम आप परचेज हो जाएगी। हाँ दोस्तों, ये भी मैं बता दूँ कि ये जो थीम आप परचेज करेंगे वो हमेशा के लिए आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, इसको दोबारा आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा। अगर वो डिलीट भी कर लेते हैं तो बस एक बार वो फोन जो थीम है उसका नाम याद रखिएगा। और दूसरा तो ईमेल के थ्रू भी बना सकते हैं आप चाहें तो, ईमेल पे सेम प्रोसेस यही है, ईमेल डालना है और एक बार वेरिफिकेशन कोड आएगा वो आपको ईमेल से डाल देना है और सेम प्रोसेस यही है। तो मैं समझता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।